नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाला साबूदाने की रेसिपी। और साबूदाने को बिल्कुल आपको भिगोने का झंझट नहीं करना है, तुरंत ही बन जाता है। आप इसके लिए हमने लिया है एक बड़ी कटोरी साबूदाने की, साबूदाना हमने ले लिया है। और काम जितनी जल्दी समय की बचत हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इसको हम साबूदाना भिगोएंगे नहीं, अब इसको हम साबूदाने को मिक्सी में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमने पाउडर बना लिया है, देखिए बहुत अच्छा बना है, एकदम महीन हो गया है, बारीक सा हो गया बिल्कुल से। ऐसे आपको करना है, अच्छे से मिक्सी में कर लेना है, पाउडर बना लेना है। अब हम यहाँ पर थोड़े से उबले आलू हमारे पास थे तो उबले आलू इसको मैश कर लेंगे। सर्दियों में जो है आलू जो है तुरंत ही जब गर्म होते हैं उसी वक्त उनको मैश कर लेना चाहिए, ये आसानी से अच्छे से मैश हो जाते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो मैश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे ही ठंडी में आलू आप बॉयल करें उसी वक्त आप इसको मैश कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मैश करना है। अगर आप चाहें तो आप कद्दूकस में भी आलू को मैश कर सकते हैं, जिससे इसमें कुछ भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे और आसानी से अच्छे से मैश हो जाएगा। तो ऐसे ही मैश करना है आपको। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा पाउडर था साबूदाने वाला, साबूदाने वाला पाउडर डाल देंगे इसमें। जो साबूदाना जो पाउडर होता है ये इसको बाद में काम करता है, इसको बाइंड का काम करता है। पूरा साबूदाना डाल देंगे हम, इसको अच्छे से मिलाएंगे और हमने यहाँ हरी धनिया की पत्ती काट रखी थी तो वो भी डाल देंगे। धनिया की पत्ती का स्वाद अच्छा लगता है, आप धनिया पत्ती डाल दीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी पालक हमने काट के रखी थी, पालक भी डाल देंगे। और आपके पास अगर गाजर हो तो यहाँ प्याज डाल दिया है, मिर्चा डाल दिया है। और आपके पास अगर गाजर हो तो गाजर डाल दीजिएगा, गोभी हो तो गोभी डाल दीजिएगा। मतलब जितनी सब्जियाँ होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसको व्रत के लिए बनाना चाहते हैं तो व्रत के लिए आपको पता ही है कि प्याज पड़ता नहीं व्रत में, तो आप प्याज का यूज़ ना करिएगा, वरना गाजर तो व्रत में पड़ता ही है, तो आप रूह का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया नमक, और व्रत में आप सीधे नमक का यूज़ कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्योंकि ठंडियों में सब्जियां बहुत वैरायटी की मिलती हैं तो हमको पौष्टिक बनाना है, जिससे बच्चे अगर वेजिटेबल नहीं भी खाते हैं तो भी स्नैक के थ्रू ये वेजिटेबल वो खा सके, उनको पता भी ना चले। और इसमें सारे वेजिटेबल हम ऐड कर सकते हैं जिससे पौष्टिकता इसकी बनी रहे। अब इसको हम अच्छे से, हमारा मैश हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और चाट पाउडर। चाट पाउडर ऑप्शनल है, आप आपके पास हो तो डालिए चाट पाउडर डाल देंगे इसमें हम, अच्छे से इसको मिला लेंगे। पहले मम्मी लोग बनाती थी तो जो है उसको भिगो के रखती थी, तो अब ये मुझे लगा कि इससे समय ज़्यादा लगता है और एक घंटा इसको भिगो, तो हम ना कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये जल्दी ही बन जाते हैं। तो मिक्सी में देखिए पीसने पे ये बाइंड का काम करेगा और बहुत ही कुरकुरा बनता है खाने में। आप ज़रूर एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ ये कैसे बना और आपको कैसा लगा। अब इसको दोनों हथेली की सहायता से इसको ऐसे ही पकौड़ी की तरह बना देंगे। आप चाहे तो इसको टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि हमने
दो तीन रेसिपी में अप्पे मेकर में बताया है, और अप्पे मेकर में अगर आप बनाते हैं तो इससे आपका तेल की बचत होगी और तेल बहुत कम लगता है। आप चाहें तो आप अप्पे मेकर बना सकते हैं। बस इसका शेप जो है वो राउंड शेप में होगा, टिक्की के आकार पर, और उसको हम फ्राई कर रहे हैं तो इसका इस तरह हम शेप दे रहे हैं, और जब आप अप्पे मेकर बनाएगा तो आप टिक्की की तरह बनाएगा, तेल उसमें बहुत कम लगता है और जल्दी बन जाता है, चिपकता भी नहीं, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो सारे ही हमको ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए हमारा रेडी हो गया बनके, और इसमें कुछ हमने टिक्की का भी शेप दिया है। तेल यहाँ हमारा गरम करने को हमने रख दिया, तेल गरम हो गया हमारा। अब एक एक करके हम इसको डाल देंगे, जब तेल गरम हो जाए तभी आपको इसमें डालना है। एक एक करके डालते जाएंगे सब, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसको, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। हाई करने से क्या होगा, ये अंदर से पकेगा नहीं। वैसे आलू बॉईल हो गई है लेकिन हमको बहुत क्रिस्पी बनाना है इसको, तो क्रिस्पी बनाने के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे आपको रखना पड़ेगा, और बार बार बिल्कुल चलाना नहीं। स्टार्टिंग में जैसे आपने डाला तुरंत चलाने लगे इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करना है 5 मिनट का। जब नीचे से हल्का सा आपको लगे कि रेड रेड हो गया है तभी आपको पलटना है, इससे पहले मत पलटिएगा। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, और जब बनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुरकुरा लगता है खाने में। जब क्रिस्पी लगता है, क्रिस्पी होता है तभी खाने में मज़ा आता है, बिल्कुल मुलायम नहीं होता ये, ऊपर से हार्ड होता है अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। देखिए पलट दिया हमने, देखिए रेड रेड हो गया है। अगर आपका प्याज हल्का हल्का उसमें, क्योंकि प्याज में डाला है, अगर प्याज हल्का हल्का निकल रहा है तो आप घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। ऐसे ही पलटते जाना हमको। आराम से बहुत जल्दी बन जाता है अप्पे मेकर में, तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं इसको, और ये देखिए बस उलटते पलटते रहना है इसको। चम्मच की सहायता से आप पलटिए, क्योंकि जो है इससे आसानी होगी आपको। देखिए ऊपर ऊपर रेड हो गया है, अभी ये हमारा हो गया, इसको पकौड़ी हमारी हो गई स्नैक, और बहुत शाम के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए आप झटपट बना सकते हैं, आपको भिगोने का भी अब कोई टेंशन नहीं रह गया है, तो आप अपने घर में ऐसे ही बनाइएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हो गया, अब ये हो गई है, अब सबको निकाल लेते हैं। जो बचा था वो भी इसमें डाल देते हैं। अब देखिए हमारा रेडी रेडी हो गया साबुदाने का स्नैक्स पकौड़ी, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी कुरकुरी, देखने में कितनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। और अब मेरे यहाँ पर मेरे पास हरी धनिया की चटनी है, तो हरी धनिया की चटनी के साथ खाएंगे। हरी धनिया की चटनी, लहसुन, मिर्चा, नमक, और आप ज़रूर अपने घर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।